हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार, आज आप लोग को काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक का, JUT का, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, और वो मैकेनिकल के हम टीचर हैं, तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन, मतलब सिलेबस जो है यहाँ डिस्कस करेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर आपका थ्रू आउट जो है वो इंजीनियरिंग का जो डिग्री होगा, जो डिप्लोमा का डिग्री होगा पॉलिटेक्निक का, उसमें उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तब वीडियो को बिना स्किप किए पूरे को जरूर देखें, आपको पक्का है जो है यहाँ से हम गारंटी लेते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो काफ़ी फायदेमंद इन्फॉर्मेशन होगा, है ना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। समय के साथ आपको चीज़ें ये सीखने को मिलेगा या देखने को, आज आप ये वीडियो को जरूर आप देखें। चलिए समझते हैं। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यदि हम डिस्कस करें, फोर्थ सेम ME, तो फोर्थ सेम ME का बात करी दिया, फोर्थ सेम ME का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है हर एक सेमेस्टर में, आपको मालूम है एक वीडियो हमारा ऑलरेडी डला हुआ था, हर एक सेमेस्टर में जो है टोटल 5 पेपर होते हैं, ये बात तो आपको मालूम है क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो इसमें भी आपका 5 पेपर है, और 5 पेपर कौन कौन है, तो एक आपका है थर्मल इंजीनियरिंग, कौन पेपर है, तो एक है आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग है। और जो पेपर है सेकेंड में वो आपका बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन है, थ्योरी ऑफ मशीन, है ना, ये है JUT का, मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन है, जिसको शॉर्टकट में TOM बोलेंगे। और सी जो है वो आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे आप थर्ड में ना एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे, और एक और भी मैकेनिक्स पढ़े थे थर्ड में, जो कि आपका था सॉलिड मैकेनिक्स, जो कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, आप ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना, बहुत अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया था, उम्मीद करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, यानी इसको शॉर्टकट में FMM, ठीक है, FMM इंडिया, ये तीन पेपर हो गया। चौथा जो है वो आपका है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल का सब्जेक्ट था थ्योरेटिकल, उसी तरह के थ्योरेटिकल पेपर है, ऐसे थ्योरी तो सारे में होता है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन काफी बेहतर ये सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है वेल्डिंग कास्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आप, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। और एक आपका लास्ट हुआ वो हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 4 में आएगा, 5 सेमेस्टर आप जाएंगे ना, तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा पेपर आपको सिखाया जाएगा जो कि ब्रांच से आपका हट करके होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे सिखाया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए, ये तो आपका ब्रांच पेपर में नहीं आता है, मतलब समय के साथ आप कोई जैसे SSC JEE वगैरह का, तो उसमें देखिए ऐसा नहीं, क्यों पेपर सिखाया जाता है ये सब एक्स्ट्रा वाला, तो ताकि आप एक मैकेनिकल का स्टूडेंट हैं, और ये नहीं कि कहीं पे आप कुछ देखे ट्रांसफार्मर तो ये ना बोले कि भाई हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ होगा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, बड़ा वर्स सिचुएशन माना जाएगा कि आप ट्रांसफार्मर भी ना सुने हो ऐसा बोल दें, बेसिक चीज़ें बात जाने कि हाँ ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है कूलिंग के लिए, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो बताया जाता है, या फिर मोटर वगैरह के बारे में, तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना वो चीज़ सिखाया जाता है ये सब एक्स्ट्रा पेपर में, इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं समझना है, ये सब पेपर डिटेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका ब्रांच है वो स्टूडेंट सीखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बातें आपको पता चल गया, है ना, पढ़ना तो सारा पेपर है, सभी को अच्छे से पढ़िया, बढ़िया रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हुआ कि किस पे बहुत फोकस करें सर, जो हमारा मैकेनिकल ब्रांच है तो आगे का जर्नी मेरे लिए बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारा सपना है जूनियर इंजीनियर बनना, पहला तो फेज है सर हमारा कि जूनियर इंजीनियर हम बने सर, तो क्या किए करें हम कि जिससे हम आसानी से मेरा राह आसान हो। तो देखिए एकदम एक बात तो मेरा गौर कीजिए, प्रीवियस वीडियो में भी एक बार हम बताए हैं ऑलरेडी ये बात, कि आप लोग ना सेमेस्टर को लाइटली एकदम मत लीजिए, एकदम भी मत लीजिए डियर, यदि आप चाहते हैं सच में नौकरी करना ना, या कहीं पे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सेमेस्टर को आप एकदम लाइटली मत लें, एकदम घर में बैठा हुआ ऐसे भी रहेगा ना, थोड़ा बहुत भी इधर उधर से पलट लेगा स्टूडेंट तो पास कर जाएगा, थोड़ा भी नॉलेज होगा तो
पास कर जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ये पास के चक्कर में मत रहिए। आप पास अभी तो कर जाएंगे, नौकरी कौन देगा, कहां से नौकरी मिल जाएगा? तो उसके लिए आपको अभी से फाउंडेशन बेस स्ट्रांग रखना है, अभी से ही बेस को मजबूत रखना है आपको। अभी से मजबूत रखेंगे एकदम गारंटी मानिए मेरा, बहुत राह आसान होगा। मतलब आपको ना ऐसा लगेगा ना कि बहुत ईजिली हमको मिल चुका है, ऐसा लगेगा, मतलब बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना मिल गया, ऐसा आपको फील होगा। क्योंकि ना आप थ्रू आउट अपना डिप्लोमा का डिग्री, पॉलिटेक्निक का डिग्री में आप मेहनत किए, इसलिए आपको अभी कम मेहनत लगने लगेगा नौकरी के टाइम में, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में आप पढ़े मन से। तो जो भी स्टूडेंट हर एक सेमेस्टर को मन से पढ़ते हैं ना, उनके लिए काफ़ी आसान होता है। हम अपने जर्नी में ये चीज़ देखें अपने स्टूडेंट के साथ, बहुत नौकरी लिए, हर एक बार दिखा ये चीज़ कि हाँ वो स्टूडेंट ले लिया, बहुत दो चार साल में तक भी नहीं ले पाए, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो एक बात को आप जरूर फॉलोअप करें। तो देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो थर्मल इंजीनियरिंग का रिलेशन आपको फाइव में भी आएगा, जो कि फाइव में पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग में आएगा। और आपका थर्मल इंजीनियरिंग का रिलेशन इतना बढ़िया है कि सिक्स में भी आएगा आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। मतलब फोर में थर्मल इंजीनियरिंग को आप गायब किए तो आपका पांचवा सेमेस्टर गड़बड़, छठा गड़बड़, देखिए कितना प्रॉब्लम आने वाला है समय के साथ। तो और उतना ही नहीं, थर्मल इंजीनियरिंग का वेटेज जो है एसएससी जेई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज का बात करें ना, तो ये पेपर का बहुत ज़्यादा वेटेज है थर्मल इंजीनियरिंग का। तो एकदम किसी हाल में भी इसको छोड़े नहीं, बहुत मन लगा करके पढ़े। फाइव अच्छा करना चाहते हैं तो, सिक्स अच्छा करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप फाइव जाएंगे, आपको थर्मल का पेपर जो है वो किसी तरह से, या तो टीचर से पूछ पूछ करके बार बार, या फिर कहीं पे आपको वीडियो देख करके या बुक खोल करके आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हम रट रहे हैं फाइव सेमेस्टर। यदि रटना नहीं है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग फाइव का या फिर आरएसी, तो आप मेरा बात मानिए, थर्मल को खूब प्यार से सीख लीजिए, क्योंकि इसका पूरा एप्लीकेशन निचोड़ जो है आगे के सेमेस्टर्स में देखने को मिलेगा, आगे के सेमेस्टर्स में देखने को मिलेगा, तो दिक्कत वहां से नहीं आएगा। आइए, यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग का रिलेशन जो है वो आपका किस में, फिफ्थ प्लस सिक्स सेम में, ये दोनों में देखने को मिलेगा। तो इसका तो एकदम स्टार लगा लीजिए आप कि इसको तो भैया एकदम खूब मन से पढ़ना है। यहां तक ओके है, आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। देखिए इसका जो है, इसका थ्योरी ऑफ मशीन ये तभी बहुत अच्छा समझ में आएगा ना जब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि देखिए मैकेनिक्स लगा हुआ है, मैकेनिकल मैकेनिक्स, तो यहां से आपको ये भी क्लियर होता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैकेनिक्स का नॉलेज तो भाई होना चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज तो होना चाहिए, अलेवेंथ का फिजिक्स बेसिकली यदि बात करें मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, तो अलेवेंथ का फिजिक्स बहुत बढ़िया से आना चाहिए, या फिर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स। सेकेंड वाला बहुत अच्छे से आपको नहीं आ रहा है तो मैकेनिकल का जो कोर पेपर, उसमें काफ़ी डिफिकल्टी नहीं आएगा, कभी कभार नॉर्मल आपको करेंट ये वो आएगा तो उतना तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्टी तब आएगा ना जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, या फिर कोई लेटरल एंट्री लिए हैं, थर्ड में डायरेक्ट एंट्री लिए हैं, तो यदि एलेवेंथ का फिजिक्स आप नहीं पढ़े हैं। तो खैर, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप यानी कि थर्ड में ये पढ़ा हुआ अच्छा से होना चाहिए, तब जाकर के जो है वो थ्योरी ऑफ मशीन बहुत मज़ेदार से आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत जो दिक्कत महसूस होगा वो बस और बस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वजह से। यदि कोई स्टूडेंट थर्मल थ्योरी ऑफ मशीन में दिक्कत महसूस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो रियलिटी क्या है ना उसका कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं आपको आता है, तब ही आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, नहीं तो नई दिक्कत होगा, एकदम नहीं होगा। क्योंकि ठीक है भूल जाएंगे आप, लेकिन कम से कम आपके पास नोट्स होगा तो उसको पलट करके देखेंगे तो जब आएगा वो चीज़ जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको टीचर बताएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़े थे, तो उस समय आप खोल करके तो देखेंगे डियर, तो ये बात को गौर करिए। चलिए यहाँ सो गया, फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी जो है ये डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे। देखिए मैकेनिक्स का पोर्शन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है कॉम्बिनेशन इसमें तो आएगा ही, मैकेनिक्स ये भी है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला मैकेनिकल के मोस्टली पेपर में, मतलब जो भी एक और पेपर उसमें तो आता ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो लॉ वगैरह है, जो थ्योरी वगैरह है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो तो आपको देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं। बाकी फ्लूड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ से रिलेट होगा। और फ्लूड मैकेनिक्स मशीनरी का FMM का बहुत ज़्यादा वेटेज है आपका SSCJEE में, तो इस ध्यान से भी आप जो है वो फोर सेमेस्टर को किसी हाल में चूकने ना दें,
एकदम किसी हाल में नहीं लिया। इस बात को, एक बात को फोकस करें आप। तीन पेपर कहोगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है ये थियोरिटिकल पेपर है जो कि आपका जेई में भी ये सब में होता ही है, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ें। ये थोड़ा आपको मतलब जो इसमें भी जो भी चीज़ें होगा थियोरिटिकल बातें होगा, वेल्डिंग कास्टिंग ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी सब्जेक्ट है आपका, कोर पेपर यहाँ पे चार है। पांचवा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो कोर मैकेनिकल में नहीं आता है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में आपका कोर पेपर सोम मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल था, मैथ तो आपका सभी ब्रांच के लिए कॉमन ही था, है ना। तो वहां से वो तीन पेपर था, यहां से ये चार पेपर जो है वो आपका कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, कोर वाला पेपर है। तो कोर पेपर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा आसान टाइप का सब्जेक्ट इसको मानेंगे, यदि जिनको थ्योरेटिकल बातें अच्छा लगता होगा, न्यूमेरिकल वगैरह डर लगता होगा तो उनको अच्छा लगेगा ये। बाकी थर्मल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल आएगा और आपको न्यूमेरिकल जेयूटी के सिलेबस में है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन में भी न्यूमेरिकल भर भर के है और फ्लूड मैकेनिक्स और मशीनरी में ये तीन पेपर जो स्टार्टिंग का है वो तीनों पेपर न्यूमेरिकल ये तीनों में होगा। और जेयूटी का भी आजकल का पैटर्न है कि न्यूमेरिकल जो है वो पूछने लगा है। तो ये मान लीजिए कि बिना न्यूमेरिकल किए जो है थ्योरी भी होता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल आप करेंगे सॉलिड मार्क्स वहां से मिलता है और न्यूमेरिकल से एक फीलिंग आता है एक्चुअली में। अब थ्योरेटिकल बातें कितना भी पढ़ने लिया लेकिन यदि न्यूमेरिकल उस टॉपिक पे नहीं लगाए ना, मेरा मानना है, तो थोड़ा फीलिंग नहीं आता इंजीनियरिंग का। तो न्यूमेरिकल पे डर यदि है तो डरना नहीं है, आप लड़िए उससे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जेई वगैरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल डाले हुए रहते हैं, तो वहां से आपको बढ़िया। और फिर एसएससी जेई की बात करें, कन्वेंशनल पेपर में तो न्यूमेरिकल होता है जो आप सेमेस्टर में सॉल्व करते हैं उस तरीके का, तो डरिए नहीं, आप उससे लड़िए और सीखने का बार बार प्रयास करिए। आज आप डरते रहेंगे हमेशा डरते रह जाएंगे, आज आप एक बार सीख लेंगे, दो बार मेहनत करना पड़ेगा, चार बार, पांच बार, दस बार, बीस बार, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे ना तो आगे के लिए आसान होगा रास्ता। तो ये तीनों पेपर में न्यूमेरिकल होगा, ये बात क्लियर कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वो कुछ सर्किट वगैरह से रिलेटेड छोटा मोटा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह चीज़ें रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि आपका इसमें मोस्टली थ्योरिटिकल पार्ट ही रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर का। तो फोर्थ सेमेस्टर का यदि हम पूरा बात करें, थर्ड मतलब पूरा पॉलिटेक्निक का ओवरऑल डिस्कस करें, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि फोर्थ सेमेस्टर आपका जो जेई का जो सिलेबस कवर अप करता है ना, 50-60% अकेला फोर सेमेस्टर कवर कर रहा है। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं ना कि फोर आने से आपको आगे का और भी जो सेमेस्टर में आएगा वो सब्जेक्ट अब आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत। तो जब सब्जेक्ट आगे के लिए आसान होगा तो कुछ रिलेटेड भी बातें आएगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हम करें 50-60% जो अकेला है पूरा कॉम्पिटिशन का वो फोर सेमेस्टर अकेला रख रहा है, बाकी सेमेस्टर मिला करके 50-60% है, मतलब थर्ड, फाइव और सिक्स मिला करके बिल्कुल भी है, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। तो इतना बात आपको समझना है। अब जो है एक इंफॉर्मेशन, वो अभी जो है फोर सेमेस्टर का वो एग्जाम जैसा कि कैलेंडर में दिया हुआ है 15 जुलाई इस तरह से लिखा हुआ है, जेईटी जो है वो अभी टाइम पे एग्जाम भी जो है वो ले रहा है सारा। तो मान लीजिए 5-10 दिन इधर उधर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं उसको मानेंगे हम लोग, और कोरोना के चलते आप लोग का ना वो टाइम का थोड़ा सा ये हो गया है कि सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होना चाहिए 4-5 महीने का मिनिमम हर एक सेमेस्टर होता है वो नहीं रहा है अब ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन कम हो गया है, क्योंकि आपको जो है लास्ट में जो है उसी में मिलाना है जो आपका मतलब जब कंप्लीट होता है तभी कंप्लीट करना है, ऐसा तो नहीं एक साल बाद डिग्री देना है। तो जेईटी वाला यही सोच करके जो है आपका थर्ड सेमेस्टर को भी थोड़ा टाइम को रिड्यूस किया और फोर को भी यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, जो कि फोर के लिए कम से कम मिनिमम हम मानते हैं कि 5 महीने का तो टाइम, 4-5 महीने एक मान लीजिए ये एक होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली में, है ना। लेकिन फिर भी जो टाइम हम लोग को दिया गया ना वो सफिशियंट टाइम है, ऐसा नहीं कि कम है, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 1 घंटे क्लास होता था तो 1.5-2 घंटे लेना पड़ेगा, पर टाइम सफिशियंट है, डोंट वरी। इसके लिए बहुत बच्चे टाइम को लेकर के घबरा रहे हैं तो नहीं घबराना है, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या फिर ऑनलाइन के, एकदम नहीं घबराना है इस बात को लेकर के। तो मेरा जो है इस सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लासेस तो चलता ही है, और रांची में ऑफलाइन क्लासेस, और जो रांची से बाहर के स्टूडेंट हैं सारे हमारे जो रांची के बाहर और मेरे से पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में उनके लिए जो है वो बिल्कुल भी एडवांस स्मार्ट रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा आया हुआ है, स्मार्ट एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर, एकदम हम मानते हैं कि स्मार्ट है वो, स्मार्ट एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर। देखिए रिकॉर्डेड क्यों आया,
लाइव क्यों नहीं हम आ रहे हैं। लाइव में पूरा जो है वो आपको लाइव में स्मार्ट एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव में जो है ना, वो दिक्कत क्या है कि आपको यदि 4-5 घंटे का क्लास लेना पड़े, क्योंकि टाइम तो जो नॉर्मल होता था उससे ज़रूर कम है। ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सामने में चीज़ें पढ़ना वो आसान हो जाता है, लेकिन एक लाइव क्लास में इंटरनेट का इशू कि आप 4-5 घंटे तक आज हम सिलेबस को कवर अप करने के लिए हम करवा रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। डियर हम समझ सकते हैं आपकी जगह हम रहेंगे तो दिक्कत, इसीलिए हम लेक्चर्स को जो है एकदम यूनिट वाइज जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एकदम लेक्चर 1, 2, 3 बिल्कुल आपको ये नहीं कि आपको दिक्कत होगा ढूंढने में, इस तरह का कहीं भी थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो ये मेरा कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो आप जो है वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर से जो है वो एप्लीकेशन जो मेरा है इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू, ठीक है, इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू ये प्ले स्टोर से जा करके जो है गूगल प्ले स्टोर वो वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें एक बार, तो मेरा सलाह होगा ज़रूर आप डाउनलोड करें। और आप वहाँ पे 4, 5, 3rd हर एक सेमेस्टर का वीडियोज है, तो आपको 4 का भी ज़रूरत है 4 सेमेस्टर को विजिट करें। बहुत सारे लेक्चर्स जो है अपलोड तो पूरा हो चुका है, कुछ लास्ट का यूनिट वगैरह थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली जो है हम रात दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए और उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप ज़रूर एक बार हम हर एक को बोलेंगे, वो पढ़े या ना पढ़े पर एक बार जरूर आप देखें कि क्या सच में जो सर बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है वो अच्छे क्वालिटी का है। क्वालिटी इन द सेंस कंटेंट हम बोल रहे हैं, क्वालिटी इन द सेंस ये मत सोचिएगा कि बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ दिखे, बहुत प्यारा राइटिंग दे लिखा हुआ दिखे। देखिए राइटिंग से चीज़ें नहीं, कंटेंट का हम बातें कर रहे हैं। कंटेंट जो आपको दिया गया ना वो बहुत ही रियली में बहुत प्यारा दिया गया, मतलब इतना कंटेंट दिया गया कि उसको आप मन से पढ़े ना तो आपका 70% से अबव जेई का चीज़ें कवर अप होगा। ये बात एकदम क्लियरली हम बोल रहे हैं बिल्कुल भी, है ना, ये रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को एकदम लिखेंगे, आप लिख करके रखें कि 60-70% जो है वो उस कंटेंट में आपका छिपा हुआ है जेई का बातें। खैर, तो इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू अभी लोग डाउनलोड करें, वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है, तो उसको आप एक बार देखें और जज करें कि क्या सच में, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी तरफ से 500% दिए और अच्छा बताएं, लेकिन क्या पता हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, क्या पता किन्हीं को अच्छा ना लगे, तो बिल्कुल भी उस कंडीशन में ज्वाइन ना करें। उम्मीद लेकिन मेरा रहेगा 100% स्टूडेंट के ऊपर कि जो भी विजिट करेंगे ना वो ज़रूर उनको अच्छा लगेगा, ये उम्मीद से हम जरूर बनाए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली बना हुआ है, मैंने बिल्कुल भी स्टूडेंट फ्रेंडली बना हुआ है, आपको जिस भाषा में समझ में आता है जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से ही, मतलब कि इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं, हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप का चीज़ें आपका मोस्टली जो भी लेक्चर है उसमें किया गया है, दोनों मिक्स। तो ये डाउनलोड कर लें और वहाँ से ज़रूर फ्री वाला देखें, और उसके बाद इसका जो अभी हम करेंटली जो है वो प्राइस काफ़ी मिनिमम रखें, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप एकदम नहीं घबराएं फी को लेकर के, काफ़ी मिनिमम है 600 रुपीज पर पेपर है आपका, है ना, 600 रुपीज पर पेपर, यानी कि टोटल जो हमारा है वो 4 पेपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर आपको नहीं, इलेक्ट्रिकल का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स कम्प्लीटली उसमें अपलोडेड है, तो उसके साथ इंक्लूडिंग में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे भी ब्रांच से थोड़ा हट करके है तो चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल के चीज़ें यदि हो जाए कोई टीचर से इलेक्ट्रिकल के तो वहाँ से प्रोवाइड करने का। तो इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू पे 4 स्टार्टिंग का 4 सब्जेक्ट यानी थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूड मैकेनिक्स, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सब मिलेगा, यानी कि ये टोटल 4 सब्जेक्ट यानी कि 600 × 4 तो 2400 में अवेलेबल है डियर, ओनली 2400 में ऑनलाइन में अवेलेबल है। और एकदम बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 100% कोर्स कंप्लीट होगा। और हम यहाँ पे रिकॉर्डेड लाने का मेरा बस वो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी जो टाइम दिया गया है बहुत कम है, सिलेबस हम कवर नहीं करा पाते, देखिए दिक्कत उस बात का नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ा करके लेना पड़ता है जिसमें आपको डिफिकल्टी होता, आपको डिफिकल्टी हो सकता था, तो इसीलिए बाकी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, प्रॉब्लम आने का तो चांस कम है ऐसा हम बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप नए हैं आपको प्रॉब्लम आएगा जरूर, हम ये मान करके चले हैं, तो इसीलिए इसके लिए फैसिलिटी हम दिए हैं कि आप बिल्कुल भी जब मन करे, है ना, हम फ्री रहेंगे, आप एकदम मैसेज कर दीजिए, ग्रुप बना हुआ पर्टिकुलर बनेगा, उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए कि ये नहीं समझ में आया, हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, या फिर हमको आप कॉल कर लीजिए, आपको हम वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम बताएंगे, या फिर हमारा जो है वो वीकली जो है
है ना, सप्ताह में लगभग 2 दिन का या फिर सप्ताह में हर संडे को हम रखेंगे, क्योंकि आप एक सप्ताह तक जो भी लेक्चर्स आप देखें उस लेक्चर का लाइव डॉट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। लाइव में मतलब बिल्कुल भी आएंगे, और जो भी हर एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का डॉट जो है वो सुनेंगे और क्लियर करेंगे कि हाँ सर हम यहाँ इस लेक्चर में यहाँ पे दिक्कत आया, ये फ्लूड मैकेनिक्स में या मैन्युफैक्चरिंग में या थ्योरी मशीन में या थर्मल में। इतना तक आप लोग के लिए हम बिल्कुल भी खड़ा है एकदम, है ना, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में मेरा क्लासेस चलता है 5-6 हर एक चीज़ का चलता है, हर एक बच्चे के साथ 500% दे करके चीज़ों को कवर अप कराने का होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जरूर आप एक बार विजिट करें, मेरा ये है एकदम, एक बार यहाँ से जरूर आप परचेज करें और लेक्चर्स को इन्जॉय करें, ठीक है। थैंक यू एवरी वन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।